let's tell you what's happening with the Congress as far as Chhattisgarh is concerned. Chhattisgarh, a place, a state where the Congress does have a state government here, but there has been rumblings within the leadership, state leadership there as well. As MLAs that are led by the health minister, the state health minister, T.S. Singhdeo, they have met with the party high command in Delhi. 23 MLAs have been asked to wait in Delhi, and some more MLAs now will leave for Delhi tonight and tomorrow. But the minister has downplayed this tussle within the state unit and the decision that rests with the party leadership. Now, we should remember here, as far as Chhattisgarh goes there, the state party unit is divided as far as chief ministership of 2.5 years each is concerned. A sharing of time of 2.5 years each between the current chief minister, Bhupesh Baghel, and the health minister, T.S. Singhdeo. खींचतान उतनी नहीं जितने की एक संभावना है, जो सभी उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं. कि मीडिया में ये लगातार चलता रहा कि ढाई ढाई वाली बात, परिवर्तन हो सकता है, समय बांटने की बात, कि चुनाव के पहले 5 साल सब ने मिल के काम किया था तो क्या सबको समय मिल सकता है, शासन आएगा तो उसमें किस किस जिम्मेदारी में समय मिल सकता है. ये सवाल लोगों के जबान पे रहे, लोगों की सोच में रहे. और अभी जैसे जैसे समय 2.5 साल के करीब का आया, अब तो 4 महीने करीब बीत भी गए 2.5 साल के. तो ये हाई कमांड ने हम सबको बुलाया था, ये आप लोगों से भी कोई छुपा हुआ नहीं है. 24 अगस्त को भूपेश भाई, मैं, हम लोग राहुल जी से मिले थे. तो उसके बाद क्या निर्णय होना है, 27 तारीख को पुनः भूपेश भाई राहुल जी से मिले थे, क्या होना है, ये हाईकमांड के पास निर्णय हमेशा सुरक्षित रहता है. तो उस Times Network's correspondent Jay Prakash Tripathi connected with us here. Jay Prakash, फिर एक दूसरे राज्य सरकार पे इस तरीके की आंच आ रही है. Governance issues most certainly here, given the fact that 23 MLAs have now been called to Delhi to resolve this crisis. जी बिल्कुल, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के हालात ठीक नहीं है. यहाँ भी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है. ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री को लेकर जो है यहाँ चल रही है. जो ज्यादातर विधायक हैं वो भूपेश बघेल के समर्थन में हैं, और लगातार पहली बार नहीं है, अब दोबारा जो है विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं. इसके पहले जो है अगस्त में भी जो है कई विधायक जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे भूपेश बघेल के समर्थन में. उसके बाद जो है उस दौरान भी आला कमान से मुलाकात नहीं हुई थी. अब जो है फिर से विधायकों के जाने का सिलसिला शुरू है. फिलहाल जो है 23 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और ऐसी जानकारी आ रही है कि 10 विधायक रात 9 बजे की फ्लाइट से फिर से दिल्ली रवाना होंगे. तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब में हालात चल रहे हैं, उसी तरह से अब छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स हो गई है कि विधायक कहीं ना कहीं आला कमान के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में किसी तरह का बदलाव होता है तो यहाँ भी विधायक टूट सकते हैं. हालांकि टीएस सिंहदेव जो है खुलकर कह रहे हैं कि पूरा जो मामला है वो आला कमान के पास सुरक्षित है. लेकिन कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव जो है पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी तरह से अगर विधायक जो है दिल्ली जा रहे हैं तो वो एक टूर की तरह जा रहे हैं. वो आला कमान ने जब उन्हें समय नहीं दिया है तो वो किस लिए मिलने जा रहे हैं. तो टीएस सिंहदेव जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि अक्टूबर में जो है नवरात्रि के आसपास जो है छत्तीसगढ़ में बदलाव हो सकता है, तो टीएस सिंहदेव तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि बदलाव होगा, क्योंकि उनका टर्म अब आने वाला है. 4 महीने का ज्यादा वक्त बीत चुका है 2.5 साल से. लेकिन भूपेश बघेल कहीं ना कहीं चिंतित हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी जो है बदलने वाली है. अब जो है टीएस सिंहदेव की जो है ताजपोशी होने वाली, इसलिए जो है उनके समर्थक जो विधायक हैं वो दिल्ली जाना चाहते हैं, आला कमान के पास अपनी बात रखना चाहते हैं. हालांकि आला कमान की तरफ से जो है टाइम नहीं मिला है, क्योंकि प्रियंका गांधी लखनऊ में है और राहुल गांधी की तरफ से भी अभी फिलहाल उन्हें समय नहीं मिला है. लेकिन विधायक जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर आला कमान पर दबाव बनाना चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए कि विधायक आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो है विधायक अपनी बात रखना चाहते हैं आला कमान के पास. लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं. जी